हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल जीत क्लासेज। हमारे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीरीज में जो कि आज हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल रेवारी। तो बता दें आपको बच्चों कि ये सैनिक स्कूल जो हमारा है हरियाणा के अंतर्गत यानी हरियाणा स्टेट के अंतर्गत आता है, जो हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण सैनिक स्कूल है। हम बात करेंगे इस स्कूल की कटअप के बारे में, क्योंकि कमेंट बॉक्स पर बच्चों के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और उनके पेरेंट्स जो हमें लगातार कमेंट सेक्शन पर पूछ रहे थे कि सर यहाँ कटअप क्या जाने वाला है, इसका एक्सपेक्टेड कटअप का वीडियो बना दीजिए। बच्चों यदि आप किसी और स्टेट के सैनिक स्कूल का कटअप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिए। यदि आप डायरेक्टली आंसर चाहते हैं तो उसमें कमेंट करिए अपने मार्क्स और अपना कैटेगरी और जिस स्कूल से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो यदि वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बता दें बच्चों कि जो हमारा NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा हर साल जो है सैनिक स्कूल एग्जाम जो है कंडक्ट कराई जाती है, और यह हमारा होता है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। और इसका जो है कैटेगरी वाइज क्या है कट ऑफ हर साल अलग अलग सैनिक स्कूल के अलग अलग बनते हैं, और इनकी सीटों की संख्या भी गर्ल्स और बॉयज़ की अलग अलग होती है। तो इस आधार पर हम कैटेगरी वाइज की बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। हम जो है पिछले साल का 2020, 2019 और 2018 पिछले 3 सालों का पेपर का एनालिसिस किया है, और इस आधार पर जो है आपको बता दें कि इस साल जो हमारा क्लास 6 का पेपर हुआ था वो बहुत सिंपल और इजी था, इसलिए जो है इस साल कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने वाला है। वही बात करें क्लास 9 की तो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में इसका पेपर थोड़ा सा मॉडर्न था, यानी कि थोड़ा सा पिछले साल से काफ़ी कठिन था। फिर भी हम क्या करेंगे प्लस 10 मार्क्स जो है आगे चल के एक्सपेक्ट कट ऑफ आपको बताया जाएगा, क्योंकि जो है कंपटीशन इस साल बढ़ चुका है, क्योंकि बच्चों ने लॉकडाउन में रह के अच्छी तैयारी कर ली है YouTube के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करके। तो हम प्लस 10 मार्क्स सबके दोनों में क्लास 6 में और क्लास 9th में भी जो है 10 मार्क प्लस करके आपको एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। यदि आप इसके बीच में आप नंबर स्कोर करते हैं तो आपका सैनिक स्कूल का जो हमारा ड्रीम सैनिक स्कूल होता है आपका वहां आपको सीट अलॉट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें। आपको हम बता दें कि सैनिक स्कूल रेवारी में जो है होम स्टेट और जनरल स्टेट यानी कि अदर स्टेट का फॉर्म यानी कि उस हिसाब से आपको क्या है कट ऑफ नहीं निकलता है। क्योंकि बच्चों हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ का कट ऑफ जो हमारा है 205 से लेकर क्लास 6 के लिए 205 से लेकर 225 के बीच में होने वाला है। यदि आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में माना जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्लास 9 की बात करें 290 से लेकर 310 के बीच में आप यदि स्कोर करते हैं तो आपको जो है सैनिक स्कूल रेवारी अलॉट हो जाएगा। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, क्लास 6 की बात करें यदि आप 205 से लेकर 215 मार्क ले आते हैं यानी कि 205 से लेकर 215 के बीच यदि आपका मार्क आता है तो आप सेफ जोन में कहलाएंगे, ठीक है। और क्लास 9 की बात करें तो 300 से लेकर 350 के बीच में, क्योंकि देखिए 9th में थोड़ा सा आपका लेवल हाई रहने वाला है, ठीक है। यहाँ जो है डिफेंस का हमेशा कैटेगरी का जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, 300 से 350 के बीच में यदि आप स्कोर करते हैं यानी 320 से लेकर 350 आप करते हैं तो 100% आप अपना एक सीट जो है सेव कर लेंगे। नेक्स्ट बात करें हम शेड्यूल कास्ट यानी कि SC की बात करें तो SC का जो क्लास 6 का जाने वाला है ये बहुत ही कम रहेगा आपका, 170 से लेकर 180 के बीच में रहने वाला है, यानी 170 से लेकर 180 आप मार्क ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लास 9 की बात करें तो 240 से लेकर 250 यानी 240 से 250 के बीच में यदि आप स्कोर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करें ST की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात कर लें, ST कैटेगरी से आपको सीट अलॉट के लिए आपका जो ड्रीम सैनिक स्कूल है उसमें आपको एंट्रेंस पाने के लिए आपको 150 से लेकर 160 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, यानी क्लास 6 का ये बहुत ही कम नंबर है, आप बड़े आसानी से इतना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास 9 की बात करें तो 250 से लेकर 270 यानी 250 से 270 के बीच में यदि आप मार्क ले आते हैं तो आपका ये सैनिक स्कूल रेवारी अलॉट हो जाएगा। तो हमने बात किया कैटेगरी वाइज, क्योंकि देखिए इसमें होम स्टेट और अदर स्टेट का ऑप्शन नहीं दिया है। हरियाणा में जो सैनिक स्कूल होते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ अदर राज्य के बच्चों को पेपर देने का मौका नहीं दिया जाता है, तो सिर्फ उसी राज्य के बच्चे ही क्या कर सकते हैं आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे नालंदा हो गया या रीवा हो गया और जितने सारे हमारा है गोरखाल हो गया है ना, तो ये सारे स्कूलों में क्या होता है ऑप्शन होता है कि अदर राज्य के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेवारी में ऐसा हरियाणा स्टेट में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमने बात किया, अगर कोई और सैनिक स्कूल का आप कटअप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन जरूर करिएगा, और वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन